मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लाल मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हल्बी और छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए कहा कि हमर भारत के सबले बड़े त्योहार गणतंत्र दिवस के बेरा म हमर सियान मन ला दाई दीदी मन ला भाई बहनी संगवारी और नोनी बाबू मन ला जय जोहार। आज हमर संविधान के जय जयकार करे के दिन हवे। आज जम्मो रवैया मन जम्मो मन के घलोक जय जयकार करे के दिन हवे। काबर के गणतंत्र के विचार म जम्मो मन के अधिकार समय हवे। यही हमर संविधान के खूबसूरती है जेखर बर हमर पुरखा मन शहादत दिन और अंग्रेज मन ला खदेड़ के हमन ला आजादी दिलाईस। ओखर पाछू ऐसा संविधान बनाई जिला खुद हम भारत के लोग मन ह खुद ल अर्पित करे हन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विभिन्न सौगातें भी दी। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह महिला उद्यमों महिला व्यवसायियों महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने रोजगार और लोगों के आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद मैं घोषणा करता हूं कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की नई योजना लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अगाध आस्था भाचा राम माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, हम सब मिलकर इस प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने में हम सफल होंगे। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ मातारी की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अपना